श्री माहेश्वरी नव युवक मंडल द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम नहीं मनाया जा रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं बड़ों का आपस में मिलना एवं अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना और एक दूसरे के साथ परस्पर पूर्ण प्रेम से मिलना है। पूर्व में 7 जून को संस्था द्वारा बच्चों को फैंसी ड्रेस, डांस एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसमें दक्ष, सारणा, आरब मेहता, यूवी महेश्वरी आदि बच्चों ने भाग लिया था और प्रतिभाग के उपरांत पहले राउंड में आगे आए थे राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा व बच्चों के फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति बहुत ही अद्भुत थी। कार्यक्रम में टच, सारणा, आरब मेहता, यूवी महेश्वरी, पुनीत डागा आदि बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मयंक चाणक, गुंजन गांधी, राजकुमार बांगड़, रोहित कुमार सारणा, युवराज छवर, विभोर मुद्रा, विक्की बांगड़, नीतीश मलानी, सोएस भाईती आदि लोग उपस्थित थे। महेश नवमी का उत्सव मना रहे हैं जो कि 8 तारीख को सेलिब्रेट की गई थी। महेश नवयुग मंडल से प्रभात फेरी निकाली गई थी और आज उसी का समापन कार्यक्रम यहां लाजपत भवन में दिनांक 12 जून 2022 को हो रहा है। क्या मुख्य आकर्षण आज के दिन लाजपत भवन में रहे? मुख्य आकर्षण हमारे समाज के मेधावी छात्र छात्राएँ हैं उनका सम्मान किया जा रहा है और जो भी हमारे डांस परफॉर्मेंस हो रहे हैं बच्चों के जो कि वहाँ पे धर्मशाला में सेलेक्ट होके यहाँ पे फाइनल में आए हैं उनका परफॉर्मेंस हो रहा है और उसके अलावा हमारे शहर के डॉक्टर एसके भट्टर जी उपस्थित हैं उनका सम्मान किया गया और हमारे ही शहर के महेश्वरी लॉजिस्टिक्स के नीरज जी लड्ढा आए थे, हमने उनको भी फेलिसिटेट किया था। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री एक वंशोत्पत्ति दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें हमारे समाज के बच्चों ने डांसिंग, सिंगिंग कंपटीशन की गई है और इसके अलावा महेश्वरी महिला मंडल ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रही है जो कि बहुत ही मन भावन और लुभावनी होगी। कितने वर्षों से विगत ये कार्यक्रम होता चला रहे हैं ये करीब 25 वर्षों से 30 वर्षों से ये कार्यक्रम होता चला रहा है और ये ऑल इंडिया में बड़े उत्साह से धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जगह इसको एक बहुत ही बड़े पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज के दिन जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन्हें क्या पुरस्कृत भी किया जाएगा आप लोगों की संस्था के माध्यम से, आप लोगों के मंडल?